राजधानी लखनऊ में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बृहस्पतिवार को जुलूस ए मोहम्मदी धूमधाम से निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और जुलूस ए मोहम्मदी में मजहबी झंडे के साथ लोगों ने शान से तिरंगा लहराया। अमीनाबाद स्थित झंडे वाला पार्क से निकलने वाला जुलूस मधे साहबा, मौलवीगंज, रकाबगंज, नादान महल रोड, नखास चौराहा, हैदरगंज से मुड़कर ऐशबाग ईदगाह पहुँचा। वहीं शामिना शाह के मज़ार से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम और अकीदत के साथ लखनऊ शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। वहीं जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जश्न ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाते हैं। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा धार्मिक स्थलों और अपने मकान को लाइटों से सजाते हैं। राजधानी लखनऊ में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर बड़ी धूमधाम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। शहर में जुलूस ए मोहम्मदी और मधे साहबा निकाला गया। जुलूस में मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि पुराने लखनऊ में दो बड़े जुलूस निकाले गए, जहां पर लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस में शिरकत की। वहीं जुलूस में झांकियां और बग्गियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं मधे साहबा और जुलूस ए मोहम्मदी में बड़ी संख्या में उलेमा भी शामिल हुए। जुलूस में आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा और जुलूस की CCTV और ड्रोन से मॉनिटरिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।